हेलो दोस्तों, श्रीराम इंटरप्राइजेज में आपका स्वागत है। तो आज हमारे दोस्त ने फोन किया था कि उनके घर में एक खिड़की को निकालना है दीवार से, तो हम वहाँ चल पड़े हैं और ये हम आ गए वहाँ पे। देखिए, यही वो खिड़की है। यहाँ पे कस्टमर खिड़की को हटा के दीवार देना चाह रहा है, क्योंकि खिड़की के ऊपर से सीढ़ी जाने वाला है तो वहाँ पे खिड़की का कोई काम ही नहीं रहेगा। इसलिए कस्टमर चाह रहा है कि इस खिड़की को हम निकाल दें। तो इस खिड़की को काम को निकालने के लिए हम अपना मशीन तैयार रखे हैं और अपने मशीन से खिड़की के दीवालों को पसीना को छल्ली करने जा रहे हैं। और जैसे हमारा काम लगातार में चल रहा है, जैसे हमने नीचे कलम को निकाला और साथ ही साथ हम ये ध्यान देंगे कि खिड़की के उस साइड जो सीढ़ी है और नीचे रास्ता है, तो उधर किसी को चोट ना लगे। तो हमें हम बोल दे रहे हैं, एक बार देख करके बोल दिए कि कोई बच्चे नजर ना आए, जिससे हम अपने काम में लौट रहे हैं फिर से। देखिए, हमारा इस साइड का तीनों कलम को हमने निकाल लिया है। इस खिड़की में छः कलम को था जो कि हमें निकालना था। इधर का तीन कलम को हमने निकाल लिया, ये चौथा कलम को भी हमारा लगभग फाइनल हो गया। और हम पांचवें कलम को निकालने के लिए किया है। तो इस प्रकार का कोई भी काम करवाने के लिए आप श्रीराम इंटरप्राइजेस के डेमोलिशन वर्क में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन के नीचे मिल जाएगा। हमारा सर्विस सड़क भोगा, भागलपुर और भोगा के आसपास के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं श्रीराम इंटरप्राइजेज में और भी बहुत सारे काम है, जैसे वायरिंग का, प्लम्बरिंग का, कैमरा फिटिंग का, और आपको कैटलॉग मिल जाएगा। इस सभी काम के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग ये वाला कलम को भी हमारा काम पूरा हो चुका। आपको कोई भी काम अगर इमरजेंसी में करवाना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम घंटों का काम मिनटों में करके दे देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने खिड़की में रस्सी बांध के रखा है, जिससे कि खिड़की आगे गिरे ना, ऊपर के रखे हैं। और ये हमारा लास्ट कलम की जैसे निकलेगा, खिड़की निकल चुकी है। और देखिए, हमें एक खिड़की निकाल के बाहर छज्जी छोटा सा उसके ऊपर हम लोगों ने रख दिया। और इसके साथ ही हमारा काम पूरा हो रहा। तो फिर आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना मिनिमम नुकसान में हमने इस खिड़की को निकाल दिया। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड दीवार को कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा पेंट का नुकसान भी नहीं हुआ है कि कस्टमर को ज़्यादा प्लास्टर करना पड़े या पेंट खराब हो। सिर्फ छोटा सा नीचे वाला कलम्पू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब निकल गया। अगर इस साइड से हम लोग को जगह मिल जाता सीढ़ी का, तो वो छोटा सा भी स्क्रैच नहीं आता दीवार में। क्योंकि कस्टमर बोला कोई बात नहीं, निकाल दीजिए, इसलिए हम लोगों निकाल दिया। तो धन्यवाद।